आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ये जो किट देख रहे हैं इसके अंदर, यानी कि इसको हम डिजिटल बोर्ड बनाएंगे। अभी जैसे स्विच से काम कर रहा है तो इसको जो है रिमोट से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। वो पंखा हो, बल्ब हो, ये सॉकेट हो, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें भी चार पॉइंट दिए हुए हैं, ट्यूब हो, पंखा हो, बल्ब हो, मतलब जितना हो कनेक्शन यूज कर सकते हो। तो चलिए पहले इसका कनेक्शन समझ लीजिए, फिर इसके अंदर कैसे कनेक्शन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पेज पे है तो फेसबुक फॉलो कीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पहले इसका कनेक्शन देख लीजिए कैसे करना है, ताकि आसान हो जाएगा कनेक्शन समझने में, फिर आप बताएंगे ऑपरेट कैसे करना है। तो चलिए इसका कनेक्शन जो समझना है, तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक ब्लैक और रेड। तो ये जो तीनों है मेरा इनपुट सोर्स है। तो ये तीन वायर जो देख रहे हैं इसलिए दिए हुआ है, ये इनपुट सोर्स हो गया, ठीक है। तो ब्लैक ब्लैक और रेड ये तीनों देख रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए, ये रेड जो होगा फेज में जाएगा और ये दोनों क्या बोलते हैं न्यूट्रल में जाएगा। तो इसको हम खोल के भी आपको डाउट क्लियर कर देते हैं हम क्यों बोल रहे हैं और क्या है, मतलब सही है या गलत है कनेक्शन। तो पहले हम इसको खोलते हैं। चलिए खोलने के लिए कुछ नहीं, लॉक लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ये करके, तो थोड़ा सा इसको किसी भी बोर्ड को डिजिटल बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो सर नकाली, तो ये जो है देखिए, हम ब्लैक दोनों इसलिए न्यूट्रल बोले यहाँ देखिए, क्योंकि दोनों ब्लैक एक ही ट्रैक पे सोल्डिंग किया हुआ है, रेड वाला अलग है। तो इसमें हमको फेज का कनेक्शन देना और न्यूट्रल इसमें आ जाएगा। ये न्यूट्रल दो या वायर इसलिए दिया है ताकि एक न्यूट्रल तो हम जो बुक से सप्लाई आ रहा है उसमें ऐड कर देंगे, एक न्यूट्रल जो मेरा हो जाएगा, जैसे जो हमको पंखा में एक न्यूट्रल जाता है, तो बल्ब में जाता है, तो सबका अलग अलग न्यूट्रल जो होता है उसको हम एक साथ इसमें ऐड कर देंगे। और देख लीजिए यहाँ पर इसके अंदर यही चार रिले होता है, जैसे अगर पाँच टो ऑपरेट करने के लिए सिस्टम अगर रहता है इसमें, तो पाँच टो रिले का यूज होता है। यह इसमें प्रोग्रामिंग आईसी है, इसी में प्रोग्राम किया हुआ रहता है कैसे किसको काम कराना है, ठीक है। तो यही है, और इसको देख लीजिए, तो कनेक्शन कैसे करना है हम आपको अंदर बोर्ड खोलते हैं, फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, जैसे इसको रहने देना, फिर हमको ऐसे ही पैक कर लेना है। आपको यहाँ पे कहीं कुछ इंडिकेशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसके अंदर ही लिखा हुआ मिलेगा। और मिस्टेक से अगर इधर उधर इसका वायर हो गया तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर तीन ठो दिए हुए, वहाँ पर चार ठो दिए हुए, ठीक है। तो इसको आराम से इसको लगा दिए, इस ये अंदर ही रहता है, बट इंडिकेटर ये जो है यही इंडिकेट करता है, ये एंटीना बोल सकते हैं इसको, ये वायर को, तो ये अंदर ही रहता है। चाहे तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, बट इसका यूज नहीं है, यूज है जो नेटवर्क को कैप्चर करता है। इसको इस जगह खाली दिख रहा है, इसको इधर निकाल देते हैं। ये बाद में मत पूछेगा ये वायर सर किस चीज़ का है, क्योंकि चार वायर जो है मेरा ये अलग है, तो इसका कनेक्शन अलग होगा। इसको हम जैसे निकाले वैसे ही इसको लॉक कर देंगे। कर लिए मिस्टर, इसको हम लगा दिए। अब चलिए हम बोर्ड को खोल लेते हैं। ये जो रिमोट का सिस्टम समझ लिए, ए बी सी डी ऑन ऑफ, यानी कि अगर ऑफ कर रहे हैं तो चारों एक बार में ऑफ हो जाएगा, मतलब चार ठो जो भी, अगर ऑन कर रहे हैं तो चारों एक साथ में भी हो सकता है, पार्ट बाई बाय पार्ट सिंगल। जैसे हमको बल्ब यूज करना है तो केवल बल्ब का ही टिपेंगे, ट्यूब यूज करना है तो ट्यूब का ही टिपेंगे, और ये जो है फैन है तो फैन का ही यूज करेंगे, और ये जो डी देख रहे हैं ये सॉकेट का दीजिए, चाहे जो कुछ के भी दीजिए, इसको क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम बोर्ड के पास बोर्ड खोलते हैं। तो बोर्ड को हमको क्या करना है, खोलना है, तो खोलने से पहले हमको लाइन काट देना है। लाइन रहते अगर कीजिएगा तो रिस्क हो सकता है आपको करंट लग जाएगा, तो पहले आप लाइन को ऑफ कर लीजिए, यानी कि एमसीबी है जो भी उसका गिरा लीजिए, फिर आप काम कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमने एमसीबी गिरा दिया है, ताकि यहाँ पे लाइट इंडिकेटर बंद हो चुका है, तो एमसीबी अभी गिरा के ही काम करना है, फिर कनेक्शन कर लेंगे, और उसके बाद एमसीबी ऑन करना है। आपको ओपन करके ही हम दिखाएंगे कैसे कैसे किया हुआ है। क्लियर, वीडियो में वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मॉड्यूलर खोलने के लिए होता है कि अगर आपको पता नहीं मॉड्यूलर कैसे खुलेगा, इसको ऐसे पकड़ के साइड से पेचकस लगा के इजी खुल गया, साइड से पेचकस लगा के इसको खोलना पड़ता है, क्योंकि ये लॉक होता है, देख लीजिए। तो चलिए इसको हम खोलते हैं।
इधर देख लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि इसे इसमें न्यूट्रल कौन है, फेज कौन है, कहाँ पे कौन सा कनेक्शन करना है। तो सिंपल सा तरीका है समझने का, बस समझना है। ये देखिए, ये जो मोटा वाला वायर देख रहे हैं, कभी भी कोई भी चीज़ का जैसे फेज आ रहा है तो फेज को पकड़ना आसान है। कैसे पकड़ेंगे देख लीजिए, तो ये फेज देखिए, येलो वाला तार फेज यहाँ पे फ्यूज पे आया हुआ है। ये जो इंडिकेशन आपको फ्यूज का करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। यहाँ पर अगर फ्यूज ना हो कि एमसीबी लगा होगा तो फेज आपका यहीं पड़ेगा, ठीक है। फेज यहाँ के बाद जैसे फ्यूज कनेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से इंडिकेटर को हम देंगे, तो इंडिकेटर को देंगे तो फेज यहाँ पर इंडिकेटर को मिल गया। और न्यूट्रल की बात रहा तो न्यूट्रल को भी देखिए, ये जो वायर देख रहे हैं मोटा बड़ा ब्लैक, तो ये भी है न्यूट्रल का, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल का आ गया, तो न्यूट्रल फेज इसको मिल गया। तो हमको क्या करना है, हमको स्विच जितना भी दिख रहा है, एक दो तीन और एक चार, ये चारों दिख रहा है, चारों को हमको इसको निकाल के हटा देना। तो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, देखते रहिए। एक चीज़ और, अगर कभी इनके समझ में ना आए फेज कौन सा है, तो टेस्टर से भी आप पता कर सकते हैं फेज कौन है, न्यूट्रल कौन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो भी स्विच वाला पॉइंट है इसको हम खोल लेते हैं। खोल लिए इसको, देखिए एक दो तीन, तीन तो हट गया, और यहाँ पर फेज इसको भी दिया, इसका भी कनेक्शन हम हटा देंगे, ठीक है। स्विच रहेगा, स्विच को हटाना नहीं है, रहने भी देना है। अगर ना रहने देगा तो यहाँ पे सो जो आता है वो लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेना है। तो जैसा कि हम बताए थे ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक को हमको क्या करना है, न्यूट्रल है तो हमको इसके पास या इसके पास कहीं पे कर देना। तो सॉकेट को भी चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, सॉकेट के पॉइंट पर से, या तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको ले लेते हैं न्यूट्रल को, ये काफ़ी मोटा है तो यहाँ से ना लेके वहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहले से ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे है तो फॉलो कर लीजिएगा पेज को। ये देखिए, तो इसको हम न्यूट्रल आ रहा है, इंडिकेटर को भी दे देते हैं ताकि सही रहे। इसको ज़्यादा मोटा, इसको हम कटिंग करके छोटा कर लेते हैं। तो जैसा कि हम बताए थे, तो इसको जो है यहाँ पर कनेक्ट कर लेना। इसको हमको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना और इसके अंदर मतलब लगा देना है। ध्यान रखें शॉर्ट ना लगे, ना तो शॉर्ट लगेगा तो फिर नुकसान हो सकता। कोई भी काम करे सेफ्टी से करे, ताकि परेशानी ना हो, करंट ना लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक का चीज़ है, सेफ्टी मोस्ट जरूरी है। चप्पल ज़रूर पहना, बिना चप्पल का ये जैसा कि हम इसका कनेक्शन कर दिए, तो न्यूट्रल हम दे दिए हैं। और फेज की जहाँ तक ये बात रहा, तो फेज हम यहीं से ले लेते हैं फ्यूज के पास से, या तो किसी स्विच पे हम कनेक्शन करके ले सकते हैं फेज। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो स्विच में भी दिया हुआ है, तो हम यहीं से उठा लेते हैं इसको। देखिए आप, तो ये कनेक्शन मेरा ओके हो चुका है। तो न्यूट्रल की जहाँ तक बात रहा, इसका हमको यूज नहीं पड़ा, तो हम इसको इसमें टेप लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे, और इसका जो है अब कनेक्शन जो है स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास चार ठो पॉइंट था, तो देखिए चार ठो है, तो इसको हम न्यूट्रल वाले में नहीं देना है न्यूट्रल, क्योंकि ऑलरेडी यहीं से जो जो पंखा मतलब सब चीज़ को मिल चुका है, यहाँ देख लीजिए। और न्यूट्रल नहीं मिला हुआ रहता तो हम यहाँ से एक पॉइंट दे देते। आप भी अपने बोर्ड को डिजिटल बना सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे, आप वहां से परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये कंपनी जो है सिस्टम खुद ही बनाई हुई, देखिए एक चीज़ और यहाँ देखिए, इस पे जो है ये सॉकेट के लिए स्पेशल बना दिया है,
इसलिए हम बोला सॉकेट के लिए स्पेशल, क्योंकि इसमें देखिए सोल्डिंग मारे हुए है, तो हम इसको सॉकेट नहीं लगा देंगे। काफ़ी अच्छा कंपनी दिमाग लगाए हुए है, अच्छा कर दिया ताकि जो कस्टमर है जो खरीदते हैं उनको आसान हो कनेक्शन हुए कनेक्शन करने। तो हम इसको टेपिंग कर लेंगे। इस पर आप 1000 वाट तक लोड इजली दे सकते हैं। टेप अच्छा से कर देंगे ताकि शॉर्ट अंदर ना लगे। इसमें फंसा देना, लगा देना, ठीक है। इसको अच्छी तरह से फंसा देना है कि ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड खोल के इसके अंदर नहीं रखेगा तो शॉर्ट सर्किट लग सकता है, ठीक है। तो चलिए लाइट को ऑन कर लेते हैं, फिलहाल ओपन ही रखने देते हैं। लाइट ओपन कर ऑन करके आप कंप्लीट चेक करें। आपको उस समय बताए थे इसका कंप्लीट वायरिंग हो चुका था, लाइट भी आ चुका है, तो इंडिकेटर भी जल रहा है। तो यहाँ देखिए जैसे कनेक्शन हमने किया था वैसे कर दिया। यहाँ देखिए ऑन ऑफ, तो ऑफ करेंगे सारा लाइट कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑफ किए सारा कट गया, अब ऑन करेंगे सारा का सारा एक बार में चालू हो जाएगा। अब यहाँ ए बी सी डी है, तो स्टेप बाई ए टी पे तो ये ऑफ हुआ, फिर इसको चालू कर दिए, फिर बी टी पे तो बाहर का ऑफ हो गया, और सी है तो सी मेरा इसका है सॉकेट का है, और डी जो है फैन का है, तो फैन ऑफ हो चुका है। तो इसी प्रकार आप भी ठीक कर मतलब रिमोट लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं। तो एकदम ईजी है लगाना, नहीं जाने के बाद कोई भी चीज़ क्या बोलते भारी हो जाता है। तो रिमोट के बारे में सारा समझ में आ गया, इसका कनेक्शन कैसे करना है समझ में आ गया। फिर भी अगर दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, आपको जहाँ तक होगा बताया जाएगा। देखिए दिख रहा हो ये बाहर का लाइट है, ये सॉकेट का है, ओह ठीक है। चलिए अभी सॉकेट में अभी आपको दे दी ऑफ, देखिए। तो इसी प्रकार आप भी रिमोट का सिस्टम लगा सकते हैं इजीली, बहुत अच्छा ही फंक्शन है इसका।